दाम बोलो ना दाम देखा देखते भाई लोग। आज 18 फरवरी 2024 दिन है रविवार। यह वीडियो आप लोग दिलदार नगर के कुशवाहा पशु मंडी से देख रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा कि ये जो मंडी है प्रत्येक रविवार के दिन लगती है और इस मेला मंडी में तरह तरह की दूध की भैंस और गाभिन भैंसें बिक्री होने के लिए आती है। तो इस मेला मंडी से हम प्रयास कर रहे हैं, सुबह के करीब 9 बज चुके हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस मेला मंडी से उचित भैंसों को दिखाएं। तो यहाँ देखिए आप लोग के सामने एक भैंस को एक भाई घुमा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ऊंची ये एक दुधारू भैंस है, महीन और बारीक चमड़ी में है, ऊंची भैंस है और ऊंची के साथ साथ लंबी भी है। जो भाई भैंस रखे होंगे उन्हें मालूम होगा कि ये भैंस कैसी है, देखते ही मालूम हो गया होगा। हम लोग इस भैंस का कीमत और इसके बारे में जानकारी लेंगे जिनकी भैंस है उन्हीं से। बच्चा क्या भैया? बच्चा पढ़िया है, ये फीमेल है ना, बहुत होगी तो 15 रोज के, 16 रोज के, 18 रोज का बच्चा होगा। लंबा बच्चा है और बड़ा बच्चा है ना। एक हफ्ता का बच्चा। ये कौन सी ब्यात में है? दूसरा। इसका दूध भी बताइए भैया, दूध कितना होगा? 16 किलो। जिनकी भैंस है वो इसका दूध 16 किलो बता रहे हैं। 16 किलो। आप लोग इसको 14 किलो दूध के आधार पर खरीद सकते हैं, 13 किलो 14 किलो। क्या दाम रखे हैं भैया? दाम तो 180 महंगा था भैया। उचित बोलिए, एकदम लेने देने वाला सब देखते हुए 160 पे। बांध के आइए, बांधा सरोज। एक दाम जरा बताइए, एकदम लेने देने वाला। कितना बोले वो भैया? हम तो कहेंगे भैया इसको छोड़िए 1-10 पे। 1-10 और 20 पे ना बेचेंगे ये भैया। हाँ तो बोलिए, एक ही दाम बोलिए। एक के दाम को अच्छे 160,000 रुपये लगे। 12 ले लीजिए ना भैया। 12 तो एक दाम बोलिए। 155 का। जिनकी भैंस है वो इसका कीमत 155 बोल रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से इनसे बात करे तो ये भैंस 20 उसमें हो जाएगी ना भैया। ना ना बोल रहे हैं, लेकिन सुबह का समय है, हो सकता है इसका ये फायदा भैया उठा रहे हो, है ना। लेकिन बहुत जाएगी तो यही हम आप लोग को रेट बताए हैं। उस मेला मंडी के मुताबिक ही है, आप लोग को ये रेट बता रहे हैं, दाम बता रहे हैं। इस समय समूचे हर जगह पे भैंस बहुत कम मिल रही है, बहुत कम। यही कारण है कि अगर मेला मंडी में कोई अच्छी भैंस आ रही है तो उसका कीमत ऊंचा जा रहा है। बच्चा पढ़िया है, ये दूसरे ब्यात में होगी और कीमत आप लोग सुने ही हैं, 155 भैया बोल रहे हैं, लेकिन वही हम आप लोग को पहले ही बताएं। और भैया पत्रकार बंधु ठीक है? ठीक है जी। आप अपने अनुभव से इसका जरा कीमत बताइए कितना होना तो चाहिए? बड़ा मांगा थे, 1.5 लाख लोग कम थोड़े मांगा थे। 1.5 लाख मांग रहे हैं? मांग रहे हैं ना। हाँ। अंदाजा मुँह कह नहीं है। फिर भी आपके देखने से कहाँ तक होना चाहिए भैया? भैंस वाला से पूछिए, हम लोग गलत कहें के कहें। नहीं बात सही है, लेकिन अभी तो देने दिलाने का काम करते हैं भैंस। हमारा मिजाज तो भैया एक नीचे आ जाए तो ठीक है बाटे। एक के नीचे क्या दिन है भैया? एक भैया हैं वो इसका कीमत 1 के नीचे बोल रहे हैं, लेकिन हम आप लोग को पहले ही बताएं कि ये भैंस जब भी बिकेगी तो 1 से ऊपर में बिकेगी। अब जितने में बिक जाए 1-10, 1-15, लेकिन इससे कम में भी नहीं जाएगी, 1 के नीचे नहीं जाएगी।
इस मेला मंडी से हम एक और भैंस को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी भैंस है, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार सिंह। मुकेश कुमार सिंह की हम कई भैंस की खरीदी कर चुके हैं इस मेला मंडी से, अच्छी भैंस देते हैं। एक भैंस लखनऊ भी भेजे थे, पड़िया, काफ़ी अच्छी दूध की निकली, नई भैंस है, मुर्रा भैंस। इस तरह की भैंसों की मांग अत्यधिक बनी रहती है। दांत में चार बता रहे हैं। मुकेश भाई थोड़ा आगे से ले आइए, तो एक बार घुमा के, चार दांत में है, दांत में चार। बच्चा इसके पास पाड़ा है, पाड़ा तो 20 रोज से ऊपर का ना, ना अभी 8-9 रोज का बच्चा है, अभी इतना इसके पास दूध है कि बच्चा है, एक 6 में छोड़ने के बाद टाइम पे इसके पास अभी 6.5 किलो दूध तैयार है। मुकेश भाई दूध कितना होगा? 6.5 किलो टाइम, 13 किलो दूध पे तैयार है। 13 किलो दूध बता रहे हैं, और कोई बनाने वाली बात है नहीं। अच्छा, कर रही है, कर रही है। 13 किलो दूध भाई बता रहे हैं, अगर आप लोग इसको 10-11 पे भी लेंगे तो ऊँची थी। 10 किलो दूध के आधार पर इसकी खरीदी आप लोग कर सकते हैं, अच्छी खिलाई पिलाई रहे तो अच्छी दूध देगी। कानपुर से भैया आए हैं, है ना, क्या नाम है? बच्चू सिंह है। बच्चू भैया आइए यहाँ, मुकेश भाई की इस पड़िया को देखिए, बिल्कुल महीन और बारीक चमड़ी वाली है। मुकेश भाई बच्चा इसका पाड़ा है, दूध कितना बताएं? दूध 13 किलो, कहने वाली बात नहीं है, दुहने वाला बात। एक घंटे के, कोई जानकार हो तो विपिन भाई दिलवा दो, पैसा आएगा 2-4 दिन के बाद गारंटी के साथ। इसको आरा नहीं दिया हुआ है, कल शाम में 4 बजे इसका दुहाई हुआ है, बर्दाश्त नहीं होगा इससे। अच्छा, और टाइम पे भी ऐसा ही रहेगा। मुकेश भाई इसका जरा असली दाम बताइए तो, लेने देने वाला, फालतू वाला नहीं। इसका मांग रहे 25। कहाँ तक होगी? हो जाएगी 1-10। 75 पर रख लीजिए। नहीं होगी भैया, इतना आग बढ़िया भैंस हम भी नहीं खरीदे। जिनकी भैंस है वो इसका दाम 1-10 बता रहे हैं, लेकिन हम अपने तरफ से इसकी कीमत 75,000 रुपये लगाए। अगर ये भैंस 80-80 के भी आसपास आ जाए तो उचित है। मुकेश भाई देखिए, ये मेला मंडी से हम वीडियो बनाते हैं, आपके पिताजी भी हैं यहीं पे, आपके यहाँ से हम एक ही भैंस, दो ही भैंस ले गए हैं, अच्छी भैंस निकली है मानते हैं, शिकायत वाली भैंस हम किनबे ना करने बाबू। हाँ हाँ, एक अच्छा रेट लगा के दीजिए, कहाँ तक होगी मुकेश भाई? सही बोलिए, एकदम सटीक सही बात, लेने देने वाला। हाँ, लेने देने वाला हो जाएगी भैंस 1-5 पे। वो भी पापा गुस्सा कर रहे हैं, भैंस बहुत बढ़िया नस्ल, जान के भैंस दाम से लिए हैं। भाई दाम से भैंस बहुत खरीदारी हुआ, हम पे गुस्सा कर रहे हैं उनका। मुकेश के पिताजी हैं, कहीं ना कहीं गुस्सा कर रहे हैं कि भैंस का दाम कम बोल रहे हैं ना। मुकेश भाई देखिए, हम बता रहे हैं, हम भी मेला मंडी में रहते हैं और हर एक जगह पे रहते हैं, ये भैंस जब भी बिकेगी तो एक के अंदर बिकेगी, अब नहीं बिकेगी, और नहीं बेचेंगे विपिन भाई, कोई बात नहीं, बिकेगी या ना बिकेगी कोई बात नहीं। अपना टाइम 12 बस बजने दो विपिन भाई, 12 बजे के बाद पढ़िए, दिखा देगी हमारा औकात क्या है। चलिए हम भी हैं यहीं पे, एक से ऊपर नहीं जाएगी, एक के अंदर जितने में हो जाए। कहने वाले लोग तो बहुत कहेंगे ये है, इससे अच्छी भैंस नहीं होती है। आप भी विपिन भाई मंडी में हरदम आते हैं, जाते रहते हैं, करिए उनका मना है, इनका वीडियो बना चाचा का, लेना है, लेने वाले हैं। कहाँ से आए हैं चाचा? जहानाबाद। ये कहाँ पड़ता है भैया? कानपुर। अच्छा, एक बात बताइए भैया, एक भैंस लेके गए थे आप, जो बच्चा नहीं ले रही थी, तो कैसी निकली थी?
बच्चा ले ली थी ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। साथ में कौन है आपके? ले लेते हैं हम लोग। जहानाबाद मेला मंडी मालिक, ये नाम मैं भूल गया आपका। अखिलेश यादव, बिहार से आए हैं। वैसे कोलकाता में, कोलकाता में रहते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ के डेयरी फार्मरों के लिए मदद करते हैं, है ना भैया लोग? कोलकाता से ही आए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से भैंस ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे आज? 10-12। इस समय दूध का भाव क्या है वहाँ पे? 70-72 रुपए लीटर, लीटर पे जाता है ना। अब बहुत से भाइयों के पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो महंगी महंगी भैंस खरीद पाए, तो इस मेला मंडी से हम एक हल्की सी भैंस को दिखा रहे हैं, 50 के आसपास वाली, है ना। वैसे अब हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि इस भैंस का कीमत कितना, ये भैया बता रहे हैं, चोटी वाले भैया। नीतीश भैया नमस्कार, ठीक है ना। हम इनसे आग्रह किए हैं कि नीतीश भैया इस भैंस को आप घुमा के दिखाइए, कम बजट में नीतीश भाई अपनी भैंसों को दे देते हैं। इसका बच्चा क्या है? बच्चा पाड़ा है। कितने दिन का है? दूध कितना होगा नीतीश भैया? 11 लीटर दूध बता रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस भैंस की खरीदी करके अपने यहाँ ले जाता है तो उसे 7-8 लीटर तो दूध जरूर मिलेगा। आराम से, आराम से। भैंस अपने बच्चे के लिए व्याकुल हो रही है। क्या दाम रखे हैं नीतीश भैया? 65,000 बोल रहे हैं, लेकिन हमें बारीकी से बात करना पड़ेगा। एक ठोस दाम बोलिए। 60 के नीचे। 60 के नीचे। भैंस बहुत महंगी हो गई है, क्या कारण है? मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा, बड़ा दिक्कत हो गया है देहात में। ये भैंस आपकी 50 के आसपास नहीं होगी? नहीं। एकदम बोलिए। आ जाएगा आदमी तो 45 को दे देंगे। 45 अगर मौके पे पहुंचे तो। नीतीश भाई का कहना है कि अगर कोई ग्राहक मौके पे पहुंच जाए तो इस भैंस को 45,000 रुपये में दे देंगे। झटपट की बात बोल रहे हैं, ले आइए। अच्छी भैंस है, तीसरे उसरे में होगी? तीसरे में आप लोग मान के चलिए। अच्छी भैंस है, किसी भी माहौल किसी भी परिस्थिति में रह जाएगी। बच्चा आप लोग के सामने, भाई लोग यहाँ पे जो आप लोग ये भैंस देख रहे हैं ये हमारे अपने गांव से आई है। यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी से ये भैंस आई हुई है इस मेला मंडी में बिक्री होने के लिए। जब ये गाभिन थी तो हम गए थे, इसको देखे थे, अच्छी स्थिति में थी। रोक रहते हैं। इसका बच्चा क्या है? पाड़ी। बच्चा पड़िया है, कितने दिन के हो गए? 5 दिन का बच्चा पड़िया। ये भैंस ब्याह गई है, इसके बाद फिर दिलदार नगर के मेला मंडी में बिक्री हो गई है। तीसरे में है ना? दूसरा, दूसरे में। दूध? दूध 8 लीटर टाइम पर किलो लीटर। इधर ले आइए बाबू, एक बार और ले आइए, निकाल दो फिर एक बार। धीरे 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 ज्यादा। दूध के बारे में 16 किलो बताया जा रहा है। यादव जी की भैंस है ये, है ना। अच्छी अच्छी भैंस अपने दरवाजे पे रखते हैं। अगर 16 किलो भी दूध ना दे, अगर 13-14 किलो भी दूध दे तो कम नहीं है, है ना। 16 लीटर है दूध। कितने में होगी ये? 160 पर होगी। मांग तो रहे हैं दूध। दूध चाचा लेने देने वाला दाम जरा बताइए एकदम। 160। उस दिन भी बतला थे गैया को, जो जो आपको चौसा में बैठुआ था वो गैया उतने पर बिक्री थी। गैया तो बेचे ना, यहाँ पर भैंस की बात कर रहे हैं। भैंस भी बेचेंगे उतना ही पर। 160 उचित बोलिए। उचित है, चलिए 5,000 और कम कर देंगे। 5,000 कम किए तो का किए?
कुछ और कम ना? अब नहीं कम, 150 के आसपास बोल रहे हैं। हाँ लगभग, अब क्रिया थोड़ी खाए हैं, लेकिन हमें अच्छे से बात करने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, तो अभी जाके बात बनेगी, नहीं तो ये चाचा बहुत ज्यादा ऊपर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऊपर नहीं बोल रहे हैं बेटा। हाँ अब एकदम सही बतला दी, डेढ़ के करीब बोल रहे हैं। हाँ तो उससे नीचे नहीं भेजे, यहाँ ग्राहक पैसा दे रहा है। कितना दे रहा है? 140 दे रहा है। 140? हाँ, ग्राहक पैसा दे रहा है, एक ग्राहक थोड़ी दे रहा है, कई ग्राहक दे रहे हैं। हम काफी बारीकी से बात किए हैं, तो हमें बताया गया है कि भैंस जब भी होगी तो 1.5 के करीब होगी। एक ठोस दाम और बताइए ना, कहाँ हो गया? तो ग्राहक 140 दे रहा है, तो आपकी इच्छा कहाँ तक है? 60 की इच्छा है, लेकिन उसी तरह से कोई ये पसंद नहीं खाए हैं, थोड़ा भी जाता है, तो जो जैसे ग्राहक आएगा वैसे काम करेंगे, लेकिन सही 1.5 से नीचे की उम्मीद नहीं है। जिनकी भैंस है वो बोल रहे हैं कि 1.5 से नीचे की उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि 1.5 के अंदर ही होगी, जब भी होगी तो। अब जितने में हो जाए बांध दीजिए बाबू, बांध दीजिए। अच्छी भैंस है, ऊंची है और लंबी भी है। समूचे हर जगह पे भैंसों का कीमत बढ़ चुका है, अब सीजन जो है कुछ दूसरा हो चुका है, है ना। हम अभी 2 रोज पहले काफ़ी गांव में गए हैं, घूमे फिरे हैं, तो वहां पे देख रहे हैं कि भैंसों का कीमत किसान के घर काफ़ी ऊंचा है। 4 गांव जाने पे एक भैंस मिल रही है बिकाऊ। भाई लोग यहाँ पे जो आप लोग एक भैंस देख रहे हैं, इस भैंस के पास बच्चा पड़िया है, 10-15 रोज की है ना? है 10 रोज की, 5-7 रोज की, 5-7 रोज की बता रहे हैं। ये भैंस बलिस्टर भैया की है, दिलदार नगर के मेला मंडी में ये भी बलिस्टर यादव है, है ना। का दाम इसका आप रखे हैं? दमो 1.45 रखे हैं। 1.45 बोल रहे हैं। इस भैंस की खरीदी के लिए यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं अलग अलग जगहों से। हम खुद इस भैंस को देख रहे हैं कि भैंस अगर बजट में आ जाए तो इसकी खरीदी किया जाए। दूध कितना हो जाएगा इसका? 12 लीटर है। 12 लीटर दूध बता रहे हैं, इससे कम दूध नहीं होगा। काफी दूरी देखने को मिल रहा है इसके थनों में, दूरी भी है और लंबाई भी है साथ में। एक 45 इसका कीमत भैया बता रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये भैंस 1 के अंदर हो जाए तो उचित है। बलिस्टर भैया एक लेने देने वाला एकदम बता दीजिए, तो लेने देने वाला 1.35। कुछ कम कीजिए और भैया। लेने वाला कोई गांव सामने रहेगा तब ना कुछ। देखिए वो भी गांव की ही है, सामने वही है गांव की। हाँ बस बोलिए, मुंह से बोलिए। 1.35 बोलिए। कम कीजिए, ज्यादा जा रहा है। 1000 कम देता हूँ। 1000 चाचा से हम गुप्त जानकारी ले रहे हैं कि भैंस कितने में होगी, बताइए चाचा। मांगने का तो 1.45 मांग रहे हैं, 1.45, लेकिन 1.20 का सौदा होगा। हाँ भाई, अब उसमें एक दाम 1.20। ये हमें गुप्त जानकारी दे दिए, सबसे नहीं गमछे के अंदर 1.20। बच्चा व्यापारी बच्चा है। Thank you.
दिलदार नगर के इस मेला मंडी से हम एक और भैंस को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चाचा नाम क्या है आपका? वीरेंद्र यादव। किसी समय में वीरेंद्र यादव के यहाँ हम बहुत वीडियो बनाते थे, है ना? कम उस समय बजट में भैंसे आ जाती थी, है ना? हर एक साल भैंसों का कीमत बढ़ता ही जा रहा है और ये घटेगा भी नहीं, बढ़ता ही जाएगा। इसका बच्चा पणिया बताई जा रही है। हम तो नहीं खे। इसका बच्चा पणिया बताई जा रही है। पणिया कितने दिन की है? 6 रोज का। 6 रोज के बच्चा पणिया नहीं भैंस है, दूसरे उसरे ब्यात में होगी, इससे ऊपर नहीं है। कितना दांत है देखे थे? 6 दांत। बच्चा देखिए, ये फीमेल पड़िया 15-18 रोज का बच्चा। नहीं नहीं, 4-6 रोज का है। 6 रोज का बता रहे हैं। इसका दूध कितना होगा जी? दूध 14 लीटर। दूध 14 लीटर बता रहे हैं, लेकिन आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि भैंस कितना दूध देगी। वीरेंद्र यादव जी, जी इसका आप असली रेट बताइए। दाम तो पौने 2 लाख मांगते हैं। मांगने को आप 3 लाख मांग लीजिए। भैंस के हिसाब से मांगे, मंडी के हिसाब से कितना? 1.55। बहुत ऊंचा बोल रहे हैं। नहीं है, भैंस भी है, देखो भैंस ये। लोग हमारे वीडियो को लाइक अब नहीं करेंगे, हमें लग गया ठीक है ना, क्योंकि इतना रेट इतना ऊंचा जा रहा है ना। नहीं तो सीजन है ना, गर्मी का सीजन है, ये तो देखिए। क्या करें मेरे भाइयों, मेरे को वही चीज दिखाना होता है जो वास्तविकता, हाँ, जो घटित हो रही है सामने, है ना। तो 1.55 भैंस का कीमत मांग रहे हैं। अगर यही सीजन रहता तो ये भैंस 70-75 में हाथ में आ जाती है। हम कई बार इस बजट में भैंसों की खरीदी किए हैं, है ना। इस समय पूरे हर एक जगह पे भैंसों का जो सीजन है वो नहीं रहा है, ब्यान वाला सीजन नहीं रहा है, यही कारण है कि इतना कीमत ऊपर जा रहा है। कृपया हमारे इस तरह के मेहनत के लिए आप लोग लाइक जरूर किया करें, है ना। ठोस दाम बताइए, फेंकने वाला दाम ना बताइए। कितना? 5,000। 50 होगा। डेढ़ में? बहुत ऊंचा बोल रहे हैं चाचा। ऊंचा है, लग रहा है दाम, लग रहा है। छोड़ दीजिए इसको, 1.5 पे नहीं होगी। उसी में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा कर लीजिए। अरे यार, एक दाम 1.30 मिल रहा है। 1.30 मिल रहा है। हम उसको 1.50 बता दिया, अब उसी के रूप में ऐसे हो जाएगा। बच्चा क्या, काफी हम बारीकी से बातें कर लिए, ये बोल रहे हैं कि 1.30 हमें मिल रहा है। मौजूदा हालत में अगर इसकी बिक्री हुई तो हम आप लोग को दिखाएंगे कि इस भैंस की बिक्री कितने रुपए में हो रही है। इनके द्वारा बताई हुई बातें कितना सत्य है वो सामने ही मालूम चलेगा बिक्री में। घूमेंगे तो देखेंगे तो क्या बराबरी बिक गई है। लोगों की इच्छा होती है, जो दूर दराज के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि वो गाभिन भैंस खरीदे, इसीलिए हम इस मेला मंडी से एक और गाभिन भैंस को दिखा रहे हैं। अभी कितना समय ले जाएगी भैया? 15 दिन का समय बताया जा रहा है बच्चा देने। इस भैंस की खरीदी के लिए कुछ ग्राहक यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर इसकी खरीदी ग्राहक द्वारा होती है तो हम तुरंत दिखाएंगे आप लोगों को। वैसे हम लोग जानेंगे कि इस भैंस का कीमत क्या रखे हैं, क्या दाम रखे हैं भैया? 1.35। जरा लेने देने वाला बताइए तो। 1.25 भैया बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सौदे की बात चल रही है। ये भैंस जब भी बिकेगी तो हमें लग रहा है कि 1.10 उसके आसपास या इसके अंदर भी हो सकती है, 1.5 ओच इस तरह से भी हो सकता है। कुछ समय से मेला मंडी में जो दूर के शौकिया ग्राहक हैं उनकी अधिकता बढ़ी हुई है,
यही वजह है कि गाभिन भैंसें इस कीमत में बिक भी जा रही है, लाख लाख रुपए में गाभिन भैंसें बिक जा रही है, लाख रुपए सवा लाख इस तरह से भैंसें बिक रही है। कितना दूध होगा भैया जब ये ब्याज जाएगी तो? 12 लीटर दूध भैया बता रहे हैं, इससे कम दूध नहीं होगा जब ये ब्याज जाएगी तो। अरे भाई काका जब तो आज चमड़ी में ही ना उतने पर नहीं अरे कुछ ना आप 15 दिन बच्चा है कहीं तो अलगुलामी करो मत भैया ये उसे भाई निकना होले उल्टा हो जी मामूली भाई ना जो भगवान बनाऊं ले हूँ भैया सबके भगवान है बनाऊं ले हमारा तो अलग क्यों है बनाऊं ले चलिए ठीक कलर बेकार बच्चे बेचने वाले व्यक्ति इसका दाम 1.5 बोल दिए, खरीदारी करने वाला व्यक्ति इसका कीमत 1 के अंदर लगा रहे थे। चलिए माजन जो है कि तुमको जो हाथ कहीं बाद में ना भी चलता हो।